कैसा ढोलक नवाज जिसकी उंगलियां रक्स करती हैं, मुजाहिदीन के चूड़ियां के निक्की जई हाँ, अजरा जहां साहिबा जो इनके बगैर अधूरी हैं। मेरा ये भी गाने छेती बोड़ी वे तबीबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली शाह। आज हमें एक और सेलिब्रिटी यहां पर मिली है जो गुलाम अली बख्शी साहब के म्यूजिशियन भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, जनाब उस्ताद फ़तेह अली खान साहब। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब दुनिया के माया नाज ढोलक नवाज़ हैं और एक ऐसा ढोलक नवाज़ जिसकी उंगलियाँ रक्स करती हैं और लय और सुर को इस तरह से समझते हैं कि आज तक हमने इस किस्म का ना तो सुर सुना है और ना हमने देखा है। आज तक हमने ये भी देखा है कि ढोलक सामने पड़ी हो उसको या तो टेक और सहारे की ज़रूरत होती है, कोई आदमी अपनी टांग उसके ऊपर रखता है, कोई उसके सामने टेक लगाता है, तो बगैर सहारे के बेशक फर्श पे भी हमने इन्हें देखा है, तो इन्होंने इस तरह की ढोलक बजाई है कि इतनी ज़ोरदार ढोलक और अपनी जगह से नहीं हिली। पाकिस्तान की नामवर फनकारा मोहतरमा अजरा जहाँ साहिबा जो इनके बगैर अधूरी हैं, मजाजन फिल्म के तमाम सॉन्ग्स इन्होंने बजाए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका दिया है, बहुत मेहरबानी आपकी। और आपने जो भी बात की है गुलाम अली भाई की, गुलाम अली साहब जो है वो मेरे भाई हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, तो माशाल्लाह इस वक्त उनका अल्लाह ने बहुत नाम किया है और हम तो बहुत खुश हैं, और हम ही नहीं सारी दुनिया बहुत खुश है क्योंकि वो इस काबिल भी हैं और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी धमाले कसीदे बहुत अच्छी गाई हैं और उनके हिट भी हैं। हर साल अल्लाह के हुक्म से मौला पंचन पाक के सदक़े में हर साल इनकी एक धमाल एक कसीदा हिट होता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, कलंदर किबरिया का भी बहुत करम है, और हमारी तो कोशिश यही होती है हम म्यूजिशियन हजरात की भी कि गुलाम अली साहब जितना अच्छा गाते हैं और जितना मुश्किल गाते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम। ये बात भी है खान साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने खान साहब को बहुत सुना है लेकिन जिस तरह से चार चांद आप लगाते हैं वो क्या कहने आपके? नहीं वो तो अल्लाह का करम है, हम तो कोशिश करते हैं, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है रब्बुल आलमीन का, क्योंकि मैं मैडम मदरा जहाँ के साथ भी मुझे तकरीबन को 25-30 साल हो गए काम करते हुए, मैडम मदरा के साथ भी, और मैंने बहुत से गाने बजाए, ये मुजाहिदीन के चूड़ियाँ के निक्की जई हाँ और फिल्मों के भी, मेरा ये भी गाना छेती बोड़ी वे तबीबा मेरा तो वही बजा हुआ बहुत हिट हो रहा है। क्या बात? ये सारे जितने भी गाने हैं ये अल्लाह का करम है, हमें मौला करीम ने ये मौका दिया और हमने बजा दिए, बाकी अल्लाह का करम और आप सब लोगों की दुआएं हैं, बाकी करम। और फिर इस साल की हमारी धमाल जो गुलाम अली साहब की धमाल जो हुई है ना परफेक्ट है सेलेक्ट है, ये भी हमने नियत से की और दिल से की। क्या बात? मौला पंचतन पाक ने अपना कर्म कर दिया और कलंदर किबरिया ने पता नहीं कौन सा कर्म कर दिया कि हर साल कलंदर किबरिया पर हमारी धमाल हिट हो जाती है। ये मैंने देखा है खान साहब, मैंने एक ना कंपनी की तरफ से मैं काम कर रहा था लाल बाग में, और हमने कोई अपनी ज़िंदगी में चार दिन की लाइफ में हमने कम से कम खान साहब कोई 600-700 गाड़ियां आदि देखी हैं, और उनमें से अगर 700 गाड़ियां थी तो 600 गाड़ियों पे खान साहब के कसीदे चल रहे थे। दम दम तक दरदार काल ये बहुत बड़ा एहसान होता है अल्लाह का। तो आप यकीन ये लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं खान साहब को देखकर, ये करम है मेरे अल्लाह का, मेरे भाई को देखकर एक्साइटेड हो गए हैं, हमारे साथ खड़े हैं, काफ़ी रश लग गया, काफ़ी गैदरिंग हो गई है, लोगों को हमने दूर किया ज़रा साइड पे हो गए, अब हमें ज़रा बात करने दें। तो खान साहब हम अपनी मोहब्बत के साथ AWC की तरफ से आपको एक सिंधी अजरक पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा जब कर्म हो जाता है ना
तो मैंने ये भी देखा है कि हमने जहाँ जाना है वहाँ हम अक्सर लेट हुए रास्ते में, कि दुनिया ने घेर लिया है गुलाम अली को कि बख्शी साहब आप हमसे सेल्फी दें, हमें तस्वीरें उतरवाएं हमें, और एक जगह फिर कहीं और भी जाना है तो वहाँ भी हम लेट ही हुए हैं। ये सिर्फ कर्म की बात है, ये जब कर्म हो उसकी ज़ात का, रब्बुल आलमीन का कर्म हो, ये तभी बातें होती हैं। तो मौला करीम जिस जिस की ये तमन्ना है मौला सबकी पूरी करे रब्बुल आलमीन, जैसे गुलाम अली की मौला करीम ने की है। और गुलाम अली खान साहब ने मेहनत भी बहुत की है, क्योंकि मेरा अल्लाह किसी की मेहनत का अजर नहीं रखता, वो देता है। लीजिए खान साहब, हम आपको अपनी तरफ से एक सिंधी अजरक पहनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी आपके चैनल का भी, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ये मौका दिया और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम और या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम। अभी एक और भी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी बुलवाता हूं और उनसे भी गपशप करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं एक ही टीम के सारे आर्टिस्ट और गुलाम अली बख्शी के बड़े भाई, हमारे भी बड़े भाई हैं, लतीफ़ भाई, बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं और अपने भाई को इन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया है और इनसे भी हम गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, आप मुझे ये बताएंगे लतीफ़ भाई कि AWC डिजिटल मीडिया पे आप मौजूद हैं, जब गुलाम अली बख्शी भाई का नाम दुनिया की ज़बान पे आता है, उनके कसीदे चल रहे होते हैं, तो आपको कैसा लगता है? गुरुजी भाई ये मेरा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा भाई है, एक मैं आम बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी हुई है, मेरे मौला सबको दे, इस टाइम उसके जो कसीदे धमाल हैं ना वो हिट हुए हैं सारे, और उन्हें तकरीबन सब लोग, ऑडियंस जितनी भी है वो पसंद कर रही है और उसकी बड़ी मेहरबानी है, हम पूरी ऑडियंस के इस बात के शुक्रगुजार हैं। हम सबसे पहले अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे भाई को इतना बड़ा नाम दिया, तो हम अपनी तरफ से एक सिंधी अजरक है आपको पेश करना चाहते हैं। मेहरबानी जी, मेहरबानी आप। मैं ताबेदार जी। कैसा लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। लीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी AWC डिजिटल मीडिया के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।